चार ट्राइमेस्टर हैं, तीन ट्राइमेस्टर में आप सिर्फ और सिर्फ औरत का ख्याल रखते हैं, चौथे ट्राइमेस्टर में बच्चे का ख्याल रख रहे होते हैं जिसमें औरत का उससे भी ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है, क्योंकि प्रायोरिटी वो हो जाता है, वो एक नन्ही, वो आपसे ज्यादा वीक, आपसे ज्यादा आप पे डिपेंडेंट एक चीज आ जाती है और सब कुछ. दैट्स ट्रू. बट ये वाकई मुझे टिप जो दी थी ना निदा यासिन ने दी थी, उसने कहा था जब तुम्हारा जब भी ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन होता है, जो भी तुम्हारी डिलीवरी होती है, हॉस्पिटल तो तुम जाओगी, तो ट्राई कि तुम वहाँ पे ना दो तीन दिन जरूर रहना. क्यों? और डू नॉट मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड ट्राई टू रिकवर एंड गेट योरसेल्फ पैम्पर्ड, और नर्स भी देखे, तुम भी देखो, एंड गिव टाइम टू योर बेबी वन ऑन वन, और अच्छे से तुम वो वक्त तुम गुजारना, क्योंकि तुम जब वंस घर जाओगी फिर माशाल्लाह रौनक, लोग मिलना मिलाना, और फिर तुम बच्चों के साथ एक कुछ कह रहा है तो कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है. तो चार दिन के था, दूसरे दिन ही मैं वापस आ गई थी, बट मुझे तब तक समझ में तो आ गया था, मैंने हिम्मत भी की सब कुछ, और वाकई घर आके इट वॉज नॉट अबाउट मी, इट वॉज कि हाँ तुम आराम करो. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ दोज ब्लेस्ड वंस के मेरे वक्त जो है एक महीने के लिए मेरी सास आ गई थी लाहौर से, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मुझे देखा. लेकिन उससे पहले बिफोर द बेबी हैपन, मेरा 7.5 months मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मैं माई फादर पास्ड अवे. तो मैं बीइंग द ओनली डॉटर, और दो भाई हैं मेरे और मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा बाबा के साथ तो ज्यादातर लड़कियों का एक और होता है. तो साढ़े मतलब थर्ड ऑलमोस्ट थर्ड सेमेस्टर पे हमारा ट्राइमेस्टर पे हमारा, और फिर अब्बा का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद एवरीबडी इन द फैमिली वॉज लाइक कि इसको संभालें, इसका बच्चे को देखें, क्या करें. पहले भी बहुत मैटर कर रहा था कि आप वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उस पे खबर है, आपने ब्रेक कैसे करनी है, या वो मेंटली आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है. वो तो उस प्रोसेस में थे, बाबा को थर्ड हार्ट अटैक हुआ था, और मैं आई रिमेम्बर आई वेंट टू कार्डियो, और मैं कहीं भी नहीं जाती आती ज्यादा थी, मैं प्रेगनेंसी में इतना ज्यादा मुझे आई वॉज वेरी कंफर्टेबल एट होम, इतना मिलना मिलाना भी नहीं. तो मैं हॉस्पिटल गई थी, वो 10 दिन वहाँ पे रहे, वो रिकवर हुए अपना हार्ट अटैक से, फिर उनको स्ट्रोक हो गया. तो देन ही वेंट टू खान, और फिर वहाँ पे उनका ब्रेन सर्जरी. नेक्स्ट डे ही वाज जस्ट वेटिंग कि मेरा भाई आ जाए, भाई को उन्होंने देखा है दुबई से, एंड देन उनका शट डाउन होता रहा सब कुछ, एंड देन ही पास्ड अवे. तो उस मोमेंट में जब वेंटिलेटर ऑफ करना, तो उसको तो माई ब्रदर्स मेड श्योर आई वॉज इन द हॉस्पिटल कि वो मुझे ना बताएं कि हम इस सेकेंड बंद करने जा रहे हैं. तो उसमें एक मेरे कज़न है जिन्होंने आके, मैं AKU के कैंटीन में ही बैठी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड को शायद पता था कि वेंटिलेटर ऑफ करेंगे, तो मुझे वो चाय के लिए लेके गया. जो भी कंडीशन हो, बाप के साथ जो भी हो रहा, मेरा खाना पीना पूरा चल रहा था, मतलब आई वाज लाइक आई वुड ईट, एंड मुझे ये भी गिल्ट किया व्हाई एम आई ईटिंग सो मच, तो वो मुझे अब समझ में आता है, इट वॉज दैट इमोशनल चीज अटैच टू इट. एंड देन लास्ट ट्राइमेस्टर पे वैसे ही जरा ज्यादा डाइट आपकी डिफरेंट हो जाती है. सो कजन आया और उसने मुझे बस इधर चलो 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 वेंटिलेटर ऑफ करो, चलो 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 करके ना, एंड ही लेफ्ट कि सबको बस जल्दी से इकट्ठा कर, एंड ही डिड दैट विद मी. तो मेरा वहीं का वहीं रह के ना, वो जो कदम थे ना वहाँ तक जाने के, एंड जिस तरह मैं वहाँ तक मेरा शौहर लेके गया है, और उसके बाद वहाँ से भाई दोनों बाहर निकल कर आया, और मैंने उनको देखा, मैंने कहा कि हो गया. तो उन्होंने कहा हो गया कि वेंटिलेटर ख़त्म हो गया, एंड आई लाइक ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई हग देम बिकॉज उस वक्त मुझे ना मैं भूल गई कि कुछ है ना, लाइक भी दोनों छोटे भाई हैं, एंड देव डन समथिंग सो बहुत मुश्किल चीज की है यार, मैं कभी नहीं सोच नहीं सकती कैसे किया होगा, क्योंकि डॉक्टर्स तो नहीं करते आपके कंसेंट के. खैर तो उसके बाद फिर उस वक्त तो नहीं, आधे पौने घंटे के बाद शायद होश आया मुझे, हो अम्मी को जब बोला, मम्मी को जब हमने बताया, मैं अम्मी के साथ बैठी हुई थी, फिर जो मुझे कुछ हुआ है, और जैसे ही शुरू हुआ मेरा जो भी एक स्टेट था, तो जैसे ही मैंने शुरू किया शायद, तो मुझे एवरीबडी चलो चलो उठो चलो चलो सब घर चले, चलो सब घर चले, एंड एवरीबडी गॉट अप कि इसकी तबीयत ना ख़राब हो, या ये उस तरफ ना चली जाए या कुछ, तो सब अपने आंसू पोंछ के सब मुझे, और मुझे ऐसे ही निकाल दिया. तो वो जो अटका ना, वो अभी तक अटका हुआ है, समझ रही हो. पहले इसलिए नहीं मोट कर सकी क्योंकि आई हैव समबडी उसका, वो उसको कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे उसके बारे में. अब उसके बाद जब बेबी हो गया, तो इसलिए नहीं इमोट कर पाई बिकॉज दूध पिला रही हूँ अपना यार, जो सोचूंगी वो मैं, जो खाऊंगी, जैसा होऊंगी, मेरे बच्चे को वही मिल रहा होगा, और मैं तो फुल ऑन ना कि मैं, और बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा करम है कि जो जो भी इससे भी बुरा बुरा लोगों के साथ होता है, मैं अब्बा की ठीक है, मतलब अच्छी एज उनका, सब कुछ हो गया था, सब खुशियाँ अल्लाह का शुक्र देख लिया सब कुछ, लेकिन
कितने लोग कैसे कैसे से गुजर जाते हैं, तो अल्लाह ने मुझे बहुत हिम्मत दी. लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि आपको रोने देना चाहिए ताकि वो निकले. वो जो आपने कहा ना, वो जो अटका हुआ अटका हुआ है वो आज तक, क्योंकि फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा जब डिलीवरी के बाद रोऊंगी, डिलीवरी हुई तो मैंने कहा अच्छा नहीं अभी तो उसको दूध पिला रही हूँ, चलो दूध जब खत्म करूंगी ना तब रोऊंगी. अब मैं कहती हूँ कि अच्छा अब मैं रोऊंगी, फिर मैं कहती हूँ मुझे 2 दिन चाहिए. मैं कहती हूँ 2 दिन में फिर हमजा को कौन, 2 लोग तो बहुत है देखने को. मैं कहा मैं उस स्टेज से आऊंगी कि नहीं आऊंगी, मेरा ग्रीविंग पीरियड कितना होगा नहीं होगा. तो मेरा वो अटका हुआ having the baby basically, us grief se hi nahi nikli. Nahi nikli. So losing a father, being a mother, you know, aur imagining ki mere baap agar zinda hota to na dada na dadi na mamu na chacha na koi, sab side pe wahi banda pura kar deta jo sabke hone ke bawajood us tarah pura nahi ho sakta jo wo shakhs ye do kar sakta tha. Extreme emotions the aur wo dono having a baby 3 months extreme 3 months mein to jisko kehte hain dimag bilkul overload ho gaya tha bilkul. I'm sure to us pe and then hamza ko na, lekin karam phir again ke jab aap koi bhi depression mein ho, ya mujhe to nahi pata na us waqt depression hai ke nahi hai, ya mujhe nahi pata, mere liye to ye normal hai ki ha jab marenge to sadness hoegi, ha jab bachcha hoga to cheeze change hongi, ha chemical होता है अंदर सब कुछ होता है, especially for a person like you जो के वैसे ही मतलब halfway happy go lucky. हाँ, and I'm a very practical person. I understand logic. I know life and death and everything. There was death and then there was life. क्या choose करोगे? Death choose करोगे या life? तो I just did choose life, but then a part of my life जो था वो जा चुका था. तो वो जो एक कला है वो तो हमजा क्या कोई भी नहीं पूरी कर सकता. जिसका जब जाता है उसको ही पता तब चलता है. तो वो एक अभी भी कहीं अटका हुआ है. तो उसमें पे कभी कभी बीच में मुझे ऐसे हमजा के बाद भी मुझे ऐसा फील होता था कि कुछ कमी है या मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ, कहीं मैं लैक कर रही हूँ या क्या हो रहा है. आई वॉज नॉट वर्किंग. अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी ब्लेस थी कि मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरी माँ जो खुद बेवा हुई है ताज़ा ताज़ा इद्दत में, चल नहीं पाती इतना ज़्यादा उनका प्रॉब्लम है, और मेरे एक एक कॉल में वो PCHS में, तब मम्मा का घर था तो PCHS से वो अम्मी के लिए वो 3 फ्लोर्स उतरना भी और फिर गाड़ी में बैठना और फिर मेरे पास आना मेरी एक कॉल पे. And she was the only one जिसको मैं कॉल करके बोल भी सकती थी. क्योंकि वो भी सब एक ग्रीफ से गुजर रहे थे. और लेकिन वो सब अपना ग्रीफ छोड़ के, मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग भी वो उस तरह कर पाए, बिकॉज एवरीबडी वॉज विद मी. और साथ में स्टेज देयर, क्योंकि कहते हैं कि चलो एक आप ग्रीफ में चले जी, ग्रीफ था, बच्चा आएगा ना तो सब लोग सब भूल जाएंगे. नहीं, कोई रिप्लेस नहीं कर पाता. अब उसको रिप्लेस नहीं कर सकते. हमजा ऐसे करके सो रहा है, वो पापा भी ऐसे सोते तो उसकी मैं तस्वीर लूं और दिल करे उनको मैसेज करूं. इतनी दफा, और शूट से जब आते थे तो एक कॉल मम्मा को कर रही हूँ कि हाँ मामा मैं शूट से आ रही हूँ, कर रही हूँ. अम्मी सॉरी पापा कही है कुछ, हाँ पापा मैं आ रही हूँ. तो अब मम्मा को कॉल करके आज भी फोन उठता है बाओ के लिए कि बाओ को कॉल करूंगी, और वो नहीं होते. कितनी दफा हमजा की वो बात. तो अगेन लूजिंग समबडी एंड देन आप लाइफ और डेथ में जिसको भी चूज करो, डेथ इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट, एक ऐसी हकीकत है जिसको डील करना है. एंड आई एम स्टिल struggling. I want to deal with it. मैं morning shows से मेरी तो कसम खा रही होती है कि मैंने आंसू नहीं निकाला, लेकिन हो गया. लेकिन ये जरूरी, the reason why I'm talking about it is इसलिए भी क्योंकि कितने लोगों का क्या कुछ नहीं जाता, और वो डिप्रेशन वो सिर्फ डिलीवरी के बाद, डिलीवरी से पहले हर चीज में है. चलो जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, आप लोग कहीं मजाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं. तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और आज हम बहुत ही अहम और हसास इशू के हवाले से बात करें, और वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन. क्योंकि यूजुअली हम इस पर बात करते भी नहीं हैं, बात करने से कतराते भी हैं, झिझकते भी हैं. और आपको शायद सुन के काफ़ी ताजुब होगा कि 7 में से 1 औरत को पोस्टपार्टम डिप्रेशन ज़रूर होता है. अच्छा, कुछ लोग ना जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, वो ही बहुत बड़ी होती है. जब पता चलता है कि जी हाँ मैं एक्सपेक्टिंग, तो बहुत सारे लोग तो पहले उनको यही करने में, डाइजेस्ट करने में टाइम लग जाता है कि अच्छा ये मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मुझे क्या करना है. मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि अच्छा वो कहते हैं हम अभी तो अपनी जिंदगी जी रहे थे. सो जब आपको पता चला, छठी समझ में आता है, डिलीवरी से 6 दिन बाद हमारे जैसे होते कहते हैं छठी मनाते, तो उसमें लड़की जो है वो पीला जोड़ा पहनेगी. पीला क्यों, आई हेट द कलर, बट कोई भी होगा. I love you're not wearing pila. You're not wearing pila. मुझ पे नहीं सूट करता. There's sometimes a happy color as well. हाँ, तो छठी पे हम सब
आए दावत हुई मुझे मेरे जहेज की तरह जो वो सारा नहीं देन गिफ्ट्स और सब कुछ हमजा भी सब कुछ ये कितनी अच्छी रस्म होती है मैं आई एम रस्म पर्सन मुझे ना मैं जो था शादी में भी ना सारी रस्में हूँ मुझे बहुत शौक है रस्मों का मुझे उन रस्मों की ना स्टोरीज अटैच्ड होती है वो हर रस्म की एक कहानी है एक तरीका एक वो आई लव इट आई एम अ स्टोरी टेलर तो मुझे तो ये वैसे ही बहुत वो करती है छठी हो गई अब सब चले गए घर सास सो गए सब सो गए अब हमजा को फीड बीट करा के चेंज करा के वो बैठा हुआ है मैं बैठी हुई हूँ और साके बातें और मैं उसको देख के कहती हूँ वो कह रहे क्या क्या हुआ सब सेट है मैं कहा हाँ सब सेट है मैंने कहा कि अभी फिर पॉटी करेगा एक घंटे बाद और ये फिर एक और घंटे बाद दूध पिए फिर वो पॉटी करेगा मैंने कहा ये आज ना है अभी इसको रोज़ नहलाना होगा इसको रोज़ चेंज करना होगा इसके दिन में चार दफ़ा कपड़े बदलते हैं इसको रोज़ डिकार देना है और इसका रोज़ पेट देखना है कि ये फूल रहा है बंद हो रहा है ये कैसे करूँगी मैं और मैं ये क्या करूँगी और इसको इसको रोज़ ये भी होगा इसको तो ये भी होगा इसको तो जो चीज़ें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब मैं तो कभी कुत्ता बिल्ली नहीं पाला मैं घर में पौधे नहीं है आर्टिफिशियल गुल से ला के रखे कि पानी ना देना पड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी है।